Future in hands. Good morning friends, this is Vivekananda Sinha from Future in Hands. फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर और इवन मेरे स्टूडेंट्स क्वेरीज़ करते हैं कि सर एक बोरिंग प्रेजेंटेशन को या एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो बेसिक है उसको लुक एंड फील कैसे बेटर करें और एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में किस तरह से उसको प्रेजेंट करें ताकि मैनेजमेंट को अच्छा लगे देखने में. सो आज का ये वीडियो इसी बात पर फोकस करेगा कि एक आप बोरिंग प्रेजेंटेशन को या एक प्लेन प्रेजेंटेशन को किस तरह से अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करें. सो हम लोग जब प्रेजेंटेशंस पे काम करते हैं सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट कि आपका लुक एंड फील अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है. सिंपल. सो मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है विच इज़ द बेसिक वन, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एक मैजिकल ट्रिक यूज़ करके हम अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. जब आप इसे मैनुअली करेंगे फ्रेंड्स, सो क्या होता है पता है, आप एक टाइम लगेगा, थोड़ा सा अरेंज करेंगे स्लाइड्स को, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है सो आप उस चीज़ को उस तरह के प्रोफेशनल लुक नहीं दे सकते. सो आज मैं आपको दिखाऊंगा. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा कि ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पहले ही क्लियर करना पड़ेगा बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग ए बोरिंग प्रेजेंटेशन टू एन अट्रैक्टिव वन. पहला कि आपका जो फीचर है उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, फर्स्ट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग, आपका जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विच शुड बी द लेटेस्ट वन, मतलब ऑफिस 365 हो सकता है या ऑफिस 2016 या 19, जो भी लेटेस्ट है वो आपके पास होना चाहिए, बिकॉज दिस फीचर इज़ ऑनली इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस. नाउ सो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट गो टू द एक आपको ये स्लाइड में दिखाता हूँ क्या है बेसिकली. इसको मैं चलाता हूँ पहले F5 से. सो दिस इज़ बेसिकली एक सैम्पल स्लाइड है फिनेंशियल मैनेजमेंट. सेकेंड कुछ मेरे फोटोज़ हैं और मेम्बर्स करके. थर्ड इज़ द बुलेट लिस्ट, फोर्थ इज़ द बुलेट लिस्ट, फिफ्थ कुछ नंबर्स हैं, सिक्स्थ कुछ बुलेट्स हैं, एंड द सेवन्थ वन पैराग्राफ है. तो यहाँ पर मैंने मिक्स प्रेजेंटेशंस लिया, मिक्स स्लाइड्स लिया है, एक बार देखते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड. मैं जाऊँगा यहाँ पर डिज़ाइन टैब में, और डिज़ाइन टैब में सबसे लास्ट में आप देख रहे हो दिस इज़ द डिज़ाइन आइडियाज़. डिज़ाइन आइडियाज़ बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा, दिस इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंटेशन इन द एमएस पावर पॉइंट. आपका AI काम करता है और AI के बेसिस पे ये आपको डिटेक्ट कर लेता है. लेट्स सी कैसे करता है. नाउ आई विल जस्ट क्लिक ऑन द डिज़ाइन आइडियाज़. आप देख लो जैसे डिज़ाइन आइडियाज़ में क्लिक किया ये कुछ अपने आपके सैम्पल्स दिखा रहा है. नाउ लेट्स चेक वन बाय वन, दिस वन, दिस फिनेंशियल मैनेजमेंट. आप देख रहे हो जैसे फिनेंशियल मैनेजमेंट है सो यहाँ पर आपके करेंसी का सिंबल आ रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले रहा है कि आपका स्लाइड जो है वो किस चीज़ पर फोकस कर रहा है. नाउ दिस वन, दिस वन मैं इसे रखता हूँ, सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन. सो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, दिस वन, दिस वन, दिस इज द बेटर. देखा थर्ड, दिस इज अ लिस्ट विथ थ्री बुलेट्स. एक बार देखते हैं हाउ टू यूज दिस वन. यहाँ पर कलर्स आ रहे हैं, दिस वन इज कलर्स, दिस वन, दिस इज बेटर. आप एक चीज़ ध्यान देना, आप यहाँ पर जो पिक्चर्स देख रहे हैं आप देख रहे हो थोड़ा सा रिलेटेड पिक्चर्स आ रहा है. दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग थीम्स, तो एक ब्रेन का साइन आ रहा है. अप्लाइंग ए थीम एंड इम्पोर्टिंग थीम्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. नाउ लेट्स टिकट इज दिस वन. आप देख रहे हो स्पेल चेक में आपके पेंसिल का साइन आ रहा है, और जहाँ पर भी प्रिंटिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर प्रिंटर के साइन आ रहे हैं. सो आपको ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करना पड़ेगा, जस्ट यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शंस जो भी आपको बेटर लग रहा है इसमें. नाउ दिस वन, दिस वन, दिस वन, मल्टीपल लिस्ट है तो आई जस्ट यूज़ द दिस वन. इस तरह से कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर आपके मल्टीपल है, लेट्स मेक इट एज दिस वन, इसे करते हैं इस केस में. नाउ द लास्ट वन, द पैराग्राफ, दिस वन, थोड़ा सा प्रोफेशनल रखते हैं, दिस वन. नाउ लेट्स प्ले द स्लाइड. F5 से आप स्लाइड शो को चला सकते हैं. नाउ दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड, दिस इज़ द सेकंड स्लाइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ. आपने देखा किस तरह से एकदम क्विक टाइम में मैं किसी भी प्रेजेंटेशन, जो आपके बोरिंग या प्लेन प्रेजेंटेशन है, एंड यू कैन कन्वर्ट दिस टू एन ऑसम प्रेजेंटेशन. आई होप ये आपको
अच्छा लगा है एंड यू विल जस्ट इम्प्लीमेंट दिस फीचर इन योर ऑफिसेज, जो आपके बोरिंग प्रेजेंटेशन है, जो आप प्रेजेंटेशन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए और आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। फ्रेंड्स, एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। मेरे सामने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर और स्टूडेंट्स के क्वेरीज आते हैं कि सर, आपके जो सेशंस होते हैं वो क्लासरूम सेशंस होते हैं या तो आप कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग्स कराते हैं, बट हम रिमोट लोकेशन पे हैं, मल्टीपल स्टेट्स में, आउट ऑफ कंट्री है, तो हमें वो ट्रेनिंग्स कैसे मिलेगा? सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। मैंने ऑलरेडी अपना ऑनलाइन मास्टर क्लास स्टार्ट कर दिया, विच इज़ अ लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग, जहाँ पर मैं आपको खुद ट्रेनिंग्स दूंगा। एंड इसके बारे में अगर कोई भी डिटेल्स जानना है तो यू कैन व्यू द वीडियो नंबर 55 फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप एक बार चेक कीजिए एंड जस्ट व्यू दैट वीडियो। उसमें उस वीडियो में सारे डिटेल्स होंगे रिगार्डिंग द कोर्स कंटेंट्स एंड एवरीथिंग। कोई भी क्वेरीज होगा यू कैन जस्ट डायल द नंबर मेंशन इन दैट जस्ट वीडियो, और मेरे टीम के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। जो मेरा एक्सेल ट्रेनिंग है फ्रेंड्स, मास्टर क्लास, दिस इज़ द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री। जो मैंने लास्ट 10-15 साल में जो मैंने सीखा है वही मैं डिलीवर करने जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज दिस इज़ योर चैनल, एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स। दिस विल कीप मी मोटिवेटेड कि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ और आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर सकूँ। थैंक यू एंड हैव ए